रामनगरी अयोध्या पहुंचे नागरिक उड्डयन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता। नंदी मंत्री नंदी का बयान, प्रस्तावित श्री राम एयरपोर्ट पर नंदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, अयोध्या एयरपोर्ट का 600 एकड़ में किया जाएगा विस्तार। श्री राम एयरपोर्ट 777 डबल डेकर विमान की उड़ान की क्षमता वाला होगा। 525 करोड़ रुपए हो चुके हैं स्वीकृत, 300 करोड़ अब तक किए जा चुके हैं खर्च। जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जारी है। आजमगढ़, सोनभद्र, अलीगढ़ में बड़े स्तर पर एयरपोर्ट को विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा ही, इतना बड़ा अमाउंट किसानों को देने के लिए, किसान हो, नौजवान हो, हमारे हर वर्ग को छूने का काम, हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार कटिबद्ध है काम कर रही है। भगवान रामलला के दर्शन करना, हनुमानगढ़ी दर्शन करना और यथा पर प्रस्तावित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा का जो पहले एक छोटा हवाई पट्टी थी, अभी 600 एकड़ की जमीन पर विस्तार करके एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाना, जिसपे 777 डबल डेकर जहाज होता है वो भी उतरे, इसमें क्या प्रगति है उसके लिए भी अधिकारियों से बातचीत करना। 525 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए तो उसमें कितने पैसे खर्च हो गए और जल्दी और पैसे खर्च हों, उन्होंने बताया लगभग 300 करोड़ रुपए अभी तक खर्च किए जा चुके हैं और जमीन ली जा रही है। कोविड को की वजह से कुछ इसमें स्थिरता रही है, लेकिन जहाँ भी सामान्य स्थिति है, लोग आ रहे हैं और ज़मीनें दे रहे हैं, रेशियाँ हो रही हैं, तो उसके बारे में भी मैं विस्तार। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन